हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीरीज 7 क्लोन की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये वॉच बहुत ही अमेजिंग है, तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूं। तो यहां बॉक्स के कलर लिखे हैं कि कितने कलर्स में वॉच अवेलेबल है, और ये आपको पीछे पूरा वॉच के फीचर्स मिल जाएंगे कि वॉच में बैटरी कितनी एमएच की है, और ये वॉच मेड इन चाइना है, और इसके ऐप का QR कोड मिल जाएगा, और इसके साथ वायरलेस चार्जर और इसका डिस्प्ले का साइज़। तो अब मैं आपको वॉच को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं वॉच को भी ओपन कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको यहाँ देखने मिलता है सीरीज 7 का जो न्यू लोगो है वो। गाइस, तो गाइस ये कितना अमेजिंग लग रहा है। तो मैं आपको वॉच दिखा देता हूँ और मैं इसे साइड में कर दूँगा अभी। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ सीरीज 7 का लोगो इन्होंने बॉक्स पे ही दिया है, और ये बॉक्स पे बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने वॉच को खोला है, सबसे पहले आपको एक गाइड देखने मिल जाता है वॉच का, और यहाँ इसका ऐप का नाम मिल जाता है, और आपको वॉच को कैसे चार्ज करना है, और इसमें वायरलेस चार्जर दिया है। तो गाइस, मैं आपको वॉच का प्राइस भी बता दूंगा, पर पहले मैं आपको पूरे फीचर्स दिखा देता हूँ। तो सब आपको इसमें एक बेल्ट भी मिल जाती है सबसे ऊपर, आप देख सकते हो ये बेल्ट की क्वालिटी। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, और यहाँ आपको मिल जाएगा एक वायरलेस चार्जर। तो आप बहुत ही इजीली वायरलेस चार्जिंग से वॉच को चार्ज कर सकते हो। पर गाइस, वायरलेस चार्जर इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा पॉइंट वाला चार्जर होता है। मैं आपको सच बताऊं तो वायरलेस चार्जर में बहुत स्लो चार्जिंग होती है। अगर पॉइंट वाले चार्जर में आप वॉच को 2 घंटे में चार्ज करोगे, तो वायरलेस चार्जर में आपको 4 घंटे लग जाएंगे गाइस। तो वायरलेस चार्जर बस शो के लिए ही होता है, इतना अच्छा नहीं होता। तो अभी यहाँ वॉच मिल रही है, तो अब मैं आपको वॉच दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वॉच के पीछे भी इन्होंने स्टिकर दिया है, और यहाँ वॉच के सामने इन्होंने सीरीज 7 लोगो का स्टिकर दिया है। तो अब मैंने वॉच को खोल दिया है, तो आप देख सकते हो ये वॉच एज है, और ये कितनी अमेजिंग लग रही है। और आप इसके पीछे के सेंसर्स को भी देख सकते हो, और यहाँ इस पर लिखा है पीछे सीरीज 7। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार इसका डिस्प्ले एज दिया है थोड़ा, और इसके पीछे सीरीज 7 लिखा है। इसमें 2 बटन दिए हैं, और यहाँ एक सिंगल स्पीकर दिया है बड़ा। तो अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये तो स्टार्टिंग में ही आपको एप्पल का लोगो देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ आपको सीरीज 7 का टाइम देखने को मिलता है, जो सीरीज 7 का। तो अब मैं आपको इसमें बेल्ट लगा के दिखा देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि जब आप वॉच का डिस्प्ले भी क्लोज है ना गाइस, तो आप देख सकते हो कि इसके एज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लाइट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉच पूरी एज है। तो ऐसे आपको फर्स्ट वॉलपेपर देखने मिलता है, जो है सीरीज 7 का ओरिजिनल वॉलपेपर। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आपको ये वाला वॉलपेपर मिलेगा, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और ये वाला वॉलपेपर मिलेगा, जो कि अगर आप आईफोन में अगर देखोगे, तो आपको सीरीज 7 के सभी वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। और ये नाइकी एडिशन का वॉलपेपर है गाइस, ये भी बहुत ही अमेजिंग वॉलपेपर है। और यहाँ आपको एक मैरियो का वॉलपेपर मिल जाता है, और ये सब सिंपल वॉलपेपर है। और यहाँ आपको 7 लिख के मिलता है, सीरीज 7 मीन्स 7 का वॉलपेपर मिलेगा आपको। और ये एक सादा वॉलपेपर, और यहाँ से फिर आपको एप्पल का ओरिजिनल वॉलपेपर। तो अगर आप स्वाइप अप करोगे, तो आपको यहाँ पूरे आईफोन के जैसे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप बैटरी देख सकते हो, यहाँ फ़ोन से कनेक्टेड है कि नहीं वो देख सकते हो, इसे आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो और यहाँ से आप सेटिंग्स खोल सकते हो, और यहाँ से आप ऐप का स्टाइल चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐप चाहिए, 9 चाहिए, स्मार्ट चाहिए। तो पहले मैं आपको 9 ऐप्स दिखा देता हूँ। तो अगर आप स्वैप अप करोगे, तो ये आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ से स्वैप करोगे तो आपको मैसेजेस दिख जाएंगे वॉच के, और यहाँ से स्वैप करोगे तो वॉलपेपर्स चेंज होंगे। अगर आप राइट स्वैप करोगे, तो आप पूरे वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हो गाइस।
तो अब मैं आपसे बात करूँगा क्राउन की। तो इसका जो क्राउन है फुल वर्किंग क्राउन है, आप क्राउन से भी वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हो, और ये बटन जो है आप इसे वॉच को ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। अब मैं क्राउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ऐप्स खुल जाएंगे। तो ये स्मार्ट स्टाइल में नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ओल्ड लग रहा होगा, मैं इसको स्मार्ट स्टाइल में कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा स्मार्ट स्टाइल में। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे स्मार्ट स्टाइल में कर लिया है। तो मैं वापस क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो इसके पूरे वॉल जो ऐप्स है वो स्मार्ट स्टाइल में। तो अगर आप इसको छोटा करोगे तो देखिए आपको ऐसा दिखेगा। ये वॉच में गेम्स भी है और इसमें कई सारे फीचर्स है। पहले मैं आपको सब ऐप के स्टाइल्स दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपको 13 ऐप का स्टाइल देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 13 ऐप का स्टाइल है और यहाँ आपको 18 ऐप्स का भी स्टाइल देखने मिल जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी ऐप खोल सकते हो, इसकी कैलकुलेटर है तो आप ये सब खोल सकते हो। तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अब मैं इसको वापस स्मार्ट स्टाइल में ले लेता हूँ। तो मैंने स्मार्ट स्टाइल के ऐप खोल लिए हैं। तो इसमें आपको कई सारे ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें अलार्म सेट कर सकते हो, आपको इसमें कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, इसमें नीचे आपको फेसबुक और व्हाट्सएप दिख जाएगा, मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस गेट कर सकते हो, और यहाँ आपको आपके फुटस्टेप्स का पूरा डाटा दिखेगा। और फिर यहाँ आपको पावर सेविंग मोड आप ऑन कर सकते हो इसमें, और यहाँ आपको वॉच का नेटवर्क का मिल जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो वॉच का सेंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ वॉकिंग जेस्चर मिल जाएगा कि आप कितने स्टेप्स हैं, इसमें कैलेंडर भी है वॉच में, और आप इसको और सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगी फ़ोन डायरेक्टरी कॉल्स, और यहाँ से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसमें अलार्म लगा सकते हो। आप वॉच की वाइब्रेशन यहाँ आप वॉच को वाइब्रेट पे भी रख सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो, और आप वॉच को फाइंड भी कर सकते हो। मैं आपको एक बार ऐप डाउनलोड करके दिखा दूँगा वॉच का। और यहाँ से आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, इसमें आपको आप वॉच से कैमरा के थ्रू फ़ोटोज़ खींच सकते हो, मैं आपको ये भी दिखा दूँगा डिटेल में। और इसमें एक्सरसाइज के पूरे स्टेप्स काउंट हो जाते हैं गाइस, और इसमें मैसेजेस देख सकते हो फेसबुक और व्हाट्सएप के। तो अब मैं आपको ये वॉच को इसका जो ऑफिशियल ऐप है उससे कनेक्ट करके दिखा दूँगा। तो गाइस अब मैं आपको इसका ऑफिशियल ऐप दिखा देता हूँ। तो इसका ऑफिशियल ऐप है WWFit। तो मैं WWFit को खोल लेता हूँ अभी। तो जो भी आपको पहले आएगा नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए उन सबको कैंसिल कर देना, और कनेक्ट पे आपको जाना है, जो ऊपर का ऑप्शन है ना इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ से आपको वॉच को फाइंड करना है। तो वॉच को फाइंड के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है। अगर आप ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन नहीं करोगे तो वॉच फाइंड नहीं हो पाएगी। तो अब आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ आप वॉच का नाम लिख के आ रहा है TG17। तो ये वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वॉच का नाम लिख के आ चुका है इधर TG17। इसमें चार्जिंग बता रहा है 75%। आप इसमें वॉलपेपर्स डाल सकते हो के कस्टमाइज वॉलपेपर। आप यहाँ से ही आपके वॉच का पूरा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो कि कितना ब्लड प्रेशर मेजर हुआ है। तो यहाँ आपको पूरे इसके फीचर्स मिल जाएंगे, स्लीपिंग मोड है इसमें। तो मैं डिवाइस पे जाता हूँ। तो सबसे पहले आप वॉच को फाइंड कर लेना है यहाँ से, तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है डायल पुश। आप डायल पुश में जाके वॉच में कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब सपोज़ ये देखिए वॉच में कई सारे वॉलपेपर्स हैं, जो नीचे के वॉलपेपर्स हैं ना गाइस ये सब लाइव वॉलपेपर्स हैं। तो ये सब वॉलपेपर्स बहुत ही अमेजिंग है। तो पहले मैं आपको ऊपर कोई भी एक वॉलपेपर सेट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अब मैं ये वाला वॉलपेपर सेट कर लेता हूँ।
तो अब ये वॉच में स्टैंड होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसे स्टैंड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसमें वॉलपेपर सेट हो चुका है गाइस, तो अब आप देखोगे कि वॉलपेपर अपडेट हो चुका है और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो इसमें अब आपकी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज वॉलपेपर पे, कस्टमाइज वॉलपेपर पे आप आपकी खुद की फ़ोटो भी डाल सकते हो। जैसे कि अब मैंने यहाँ किया सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम, तो आप एल्बम से खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। तो मैंने गैलरी से ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है, तो मैं इसको अभी कंप्लीट पे क्लिक करूँगा। तो आप इसमें नंबर या क्लॉक लगा सकते हो, मैं इस पर नंबर लगा रहा हूँ, और आप नंबर के कलर्स भी चेंज कर सकते हो, तो मैं इसे रेड ही रहने दूँगा, और पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको बॉटम लेफ्ट में रख रहा हूँ और इसको सेंड कर दूँगा। तो अब आप इसमें कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हो, मतलब अपनी खुद की फ़ोटो वाला। तो अब ये सेट हो गया, सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो फ़ोटो है वो वॉच में सेट हो चुकी है, ये देखिए गाइस, और ये कितनी HD और अमेजिंग लग रही है। तो अब इसमें आपकी खुद की फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो। तो गाइस ये वॉच का नाम है Series 7, और ये आप देख सकते हो कि लाइट की वजह से आपको इसका एज स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो गाइस अब मैं आपसे बात करूँगा इसके प्राइस की। तो गाइस ये वॉच मैंने ली थी 3000 रुपीज़ में। तो आप सीरीज 7 की वॉच 3000 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।